सीट हमने छोड़ दिया आंटियों के लिए और लवर्स पॉइंट के लिए। तो ये भाईजान, ओ ये मस्त शॉट था भाई, ये मस्त। हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे चार एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज का हम करेंगे लैट पुल डाउन, और अभी मैं इस पुली पे मैं ये सेट करता हूँ और फिर मैं इसको एक्सरसाइज को करता हूँ, ठीक है जी। अभी देखना आप, ओके। तो मेरे को जिम करते करते 5 साल हो गए हैं और अभी मैं सेकंड एक्सरसाइज करूँगा बैंड ओवर। वो बात लगा कि दिखता कुछ नहीं है, वो खैर उस बात को छोड़ो, बड़ी लंबी कहानी है। एक जिद होती है ना, वो इंसान से दो काम करवाती है सिर्फ, या तो उसको महान बना देती है या तो उसको मरवा देती है। तो जिद ये दो काम करवाती है बस, बाकी खैर आगे की आगे देखेंगे। अभी तो हम अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं ना यार। डी बार और बैंड ओवर एक्सरसाइज करने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, ये दो एक्सरसाइज मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अभी मैं बैंड ओवर करने वाला हूँ और करते हैं अभी। हैवी वेट मारने से बॉडी नहीं बनती है, हैवी डाइट खाने से बॉडी बनती है। लेकिन हैवी आपकी डाइट नहीं, हैवी आपकी जेब होनी चाहिए, तभी हैवी डाइट हो सकती है और तभी आपकी हैवी बॉडी बन सकती है। डी बार एक्सरसाइज जो करूँगा मैं, इस रोड को उस कोने में लगाना पड़ेगा, इस कोने को कवर कर देंगे वरना इस दीवार में छेद हो जाएगा। अब दीवार में छेद नहीं होगा। अभी रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये आप मेरी शक्ल देख के पहचान सकती हो। हालत बुरी हो जाती है गर्मियों में यार एक्सरसाइज करने में, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। तो अब लास्ट एक्सरसाइज बची मेरी, डेड लिफ्ट करूँगा मैं थोड़ी सी। वैसे मैं कभी करता नहीं हूँ लेकिन इस बार मैं करूँगा। तो अभी मैं लास्ट एक्सरसाइज करूँगा डेड लिफ्ट, फिर उसके बाद ख़त्म कर दूँगा। तो अभी गाइस मैं टैंकी में मुंह डाल कर बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ कब आएगा पानी वाला टैंकर, क्योंकि मेरे यहाँ पर पानी वाला टैंकर आता है और उसमें से हम पानी भरते हैं। और इस टैंकी को भरने का अभी वक्त आ गया है क्योंकि ये खाली हो चुकी है और इसको भरेंगे। अभी उसका वेट कर रहा हूँ, किसका, टैंकर का, पानी वाले टैंकर का। और इस टैंकी को भरेंगे और फिर इसमें से बाहर निकलेंगे। फंस गया मैं तो। तो यार बड़ी देर से नहीं, ये वेट शेट कर रहा था इधर, उसने बुलाया यार चलना, आज क्या है, आज क्या है, जन्माष्टमी, और अभी घूमेंगे शूमेंगे यार सुबह से। यार मैं काम शाम कर रहा था यार, सुबह पानी आया, उस टैंकर पानी वाला टैंकर आया, वो भरा, फिर सफाई वगैरह करी, फिर यार तुम्हारे भाई को अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। मैंने इसको कॉल करके बोल दिया, तो भाई ये हमारी फेवरेट जगह है, ये जो है फुल, यहाँ से हम व्यू का मज़ा लेते हैं सामने और यूँ बैठते हो। मैंने इसको पहले फ़ोन करके बता दिया था यार सीट वीट संभाल के रख, बैठा रहा इधर, कोई आएगा बैठने मत दियो, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं बैठेगा। हाँ भाई हमारा अड्डा ही है अड्डा। हाँ भाई बता। तो यहाँ पे दो आंटी आई, बोलती है कि ये तो हमारा जगह है, हम बैठेंगे। तो उनसे पहले मैं बैठ गया था तो वो रोक नहीं पाई, और फिर उसके बाद दो लवर आए इधर, तो दो लवर आए, वो यहीं पर बैठे
सोच रहे थे बैठने की, लेकिन मैं बैठा हुआ था उनके बीच में, दो तिनका बन के बैठा हुआ था तो कबाब में हड्डी बन के बैठा था भाई तो वो भी ये सीट नहीं ले पाए। और अब यहाँ पे मच्छरें बहुत हो रही है तो इसको मैं कह रहा हूँ अब मैं घूमने चलने का मन कर रहा है, इधर बैठने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा। तो फिर बैठा क्यों यार, चलना उठ। गाइस ये सीट हमने छोड़ दिया आंटियों के लिए और लवर्स पॉइंट के लिए, और हम जाने के लिए तैयार हैं। तो गाइस अभी यार पार्क के चक्कर मार रहे थे एक दो, और अभी रात भी हो गई और हम जा रहे हैं हम बाहर। बाहर का आपको थोड़ा सा माहौल दिखाएंगे और अभी जाएंगे हम मंदिर में और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो फिर चलो फिर चलते हैं। देखिए अब ये गोली चलाते चलाते ये बेचने भी लग गए। अरे भाई जल्दी जल्दी गोली चलाओ यार, टेढ़ी कर रखी है आगे। अरे बीच में मारो, वहां पे भैया ने टेढ़ी नल कर रखी है, दिखी नहीं रहा आगे से। तो यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं तो ये भाई जान, ये मस्त शॉट था भाई, ये मस्त था। हो गए भाई के 20 रुपए खत्म। चलो फिर चलते। और ये मेला में हम आए हुए हैं भैया, एक दो फोड़े थे ना, अब गिफ्ट तो दो मेरे को। गिफ्ट क्या मिलेगा भैया ने पोपट करके, गिफ्ट नहीं दे रहे। चलो भैया थैंक यू सो मच। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। अभी के लिए बाय गाइस।